नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 11 जो कि है रचनाएं, वह शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप इस अध्याय के लिए अपने पास पेंसिल, रबर, रूलर, प्रकार डी ये सारा सामान तैयार ही रखेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक उदाहरण के जरिए कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए और ए बी पर एक बिंदु पी अंकित कीजिए ताकि ए पी का पी बी के साथ अनुपात हो 2:1। तो देखिए बच्चों, इसकी हम एक रफ फिगर बनाकर देखते हैं पहले, यानी कि इस प्रकार से हमारी एक लाइन होगी ए बी और इस पर कहीं पर भी एक बिंदु पी आएगा ताकि ए पी अनुपात पी बी जो है वह 2:1 हो और ए बी की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। मैं ये रचना जो है वह स्केच पेन से कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से वीडियो में दिखाई दे, क्योंकि पेंसिल से करूंगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, परंतु बच्चों आपने ये सारा काम पेंसिल के साथ ही करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम स्केल लेंगे और हमें कितना बोला गया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये है 0। देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। यह है 0, यहां एक बिंदु लगाएंगे और 6 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, यह है 6 सेंटीमीटर का मार्क। तो हम एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, यानी कि एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे और जिसका नाम है ए बी। आशा करता हूं इतना तो आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस 6 सेंटीमीटर ए बी में से एक बिंदु लिया ए, ए बिंदु पर हमने कोई भी एक न्यून कोण बनाना है, कोई भी एक न्यून कोण बनाना है। आप जानते हैं न्यून कोण होता है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इससे कम कहीं भी किसी भी दिशा में। तो इसके लिए आप D का प्रयोग करके 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री बना सकते हैं, या आप केवल स्केल के साथ ही एक न्यून कोण इस प्रकार से बनाएंगे। अब ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन है ये न्यून कोण क्योंकि यह 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या था, हमने क्या किया था, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया ए बी, उसके बाद उस पर एक न्यून कोण खींचा है। इस न्यून कोण, इस किरण का नाम हम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं एक्स या वाई या जेड, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए हमें अनुपात दिया गया है 2:1। इन दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे, जो भी यहां अनुपात दिया है उसकी इन दो संख्याओं को हम आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 1 कितना आ गया, 3। इस 3 नंबर को अब हमने क्या करना है, हम प्रकार लेंगे। इसमें मैंने स्केच फंसाया है, आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, जितनी मर्जी त्रिज्या की ये प्रकार खोल लो, कोशिश करना थोड़ी ही खोलनी है, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, थोड़ी सी प्रकार खोलनी है, इतनी भी नहीं, इतनी सी ही प्रकार खोलनी है अपने, थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी ही प्रकार खोलेंगे हम। ए बिंदु पर पिन रखकर या इसको केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, और कितनी चापे लगाएंगे, देखो 2 + 1 कितना आया, 3। तो हमें इस ए एक्स पर 3 बराबर चापे लगानी है। बराबर चापों का मतलब ये प्रकार हिलानी नहीं है, जितनी एक बार खोली उतनी ही खुली रखकर ये लग गई पहली चाप, जहां इसने ए एक्स को काटा उस बिंदु पर अब पिन रखेंगे तो दूसरी चाप, और जहां इसने एक्स को काटा उस बिंदु पर फिर से पिन रखेंगे तो तीसरी चाप। तो आप देख रहे हैं हमने बराबर दूरी पर 3 चापे लगाई हैं। आइए हम इनका नाम लिखते हैं, पहले का नाम लिख दो A1, दूसरे का नाम लिख दो A2, तीसरे का नाम लिख दो A3। बच्चों 3 क्यों लगाई,
ज्यादा चापें क्यों नहीं लगाई या कम चापें क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अनुपात जो था वो था 2:1 और 2 को 1 में प्लस करके आया था 3, इसलिए यहां लगी है 3 चापें। यदि यह अनुपात ज्यादा होता तो उनका जोड़ ज्यादा आता तो हम उतनी ही ज्यादा चापें लगाते, तो उस हिसाब से यह एक्स रेखा उतनी ही हम लंबी बनाते। आशा करता हूं यह आपको समझ आई होगी बात। अब हम बच्चों अगला स्टेप देखेंगे। अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस बी बिंदु को आखिरी जो बिंदु आया था, पहली चाप, दूसरी चाप, तीसरी, आखिरी चाप का यह जो बिंदु है ए थ्री, इसके साथ बी बिंदु को मिलाएंगे। तो हम इसके लिए स्केल का फुट्टे का प्रयोग करेंगे। इस बिंदु से हमने बी बिंदु को मिलाना है, तो इस प्रकार से। तो देखिए हमने ए थ्री बिंदु के साथ बी को मिला दिया। अब बच्चों ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर, जो आपने अनुपात है वह है 2:1, इसमें पहली संख्या कौन सी है 2, तो यहां से आप ए से शुरू होंगे, दूसरे बिंदु पर जाएंगे 1, 2, यह है दूसरा बिंदु। अब हम बच्चों ध्यान से देखना, 2 कहां से आया था, पहले लिखा है 2, तो दूसरा बिंदु देखेंगे, पहला बिंदु यह है A1, दूसरा बिंदु है A2। अब हमने क्या करना है, A2 पर इस ये जो हमने पहले रेखा बनाई इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे इस प्रकार से। अब ये समांतर रेखा खींचने का जो विधि है ये आपने पिछली क्लासों में सीखी हुई है, हम इसी विधि का प्रयोग यहां पर करते हैं। मैं इस कागज को थोड़ा सा घुमा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, प्रकार लेंगे, थोड़ी सी त्रिज्या खोलेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी, जितनी कम से कम हो सके उतनी त्रिज्या खोलेंगे हम। इस बिंदु पर रखेंगे पेन और एक चाप लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चाप कहां से कहां तक होगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये पूरी चाप, इतनी ही त्रिज्या के साथ आपने, हमने कहा था दूसरे बिंदु पर बनाना है, इस बिंदु पर इतनी ही त्रिज्या के साथ एक यहां भी चाप लगा देंगे। अब यहां तो लाइन तक लगानी थी, यहां तो कोई लाइन नहीं है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है बच्चों। अब इस बात को ध्यान से देखिए, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी त्रिज्या लेकर प्रकार खोली, एक चाप लगाई, इतने ही बराबर चाप हमने यहां भी लगाई। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पहली चाप है ये दो बिंदुओं पर टच हो रही है, एक ए एक्स पर यहां और ए थ्री बी पर यहां, है ना। देखो ये दो बिंदु है ना बेटा, 1, 2, इन दो बिंदुओं की दूरी हम प्रकार से मापेंगे। देखो कैसे, यहां पे प्रकार रखी और इसको खोल के देखियो कि कितनी खुलती है, ये आ गई इसकी दूरी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसको प्रकार से मापा, जितना ये है यहां से प्रकार उठाओ, इस वाले पॉइंट पर रखो और एक चाप लगा दो, ठीक है बच्चों। जितनी दूर ये थे ना दोनों बिंदु एक दूसरे से, उतनी ही दूर हमने इन बिंदुओं को रखा और यहां एक हमें बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस A2 बिंदु से ये जो दोनों चापें यहां मिल रही हैं, ये जो दोनों चापें यहां मिल रही हैं, इस बिंदु को अंकित करके A2 से इसको जोड़कर आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो आपने देखा इस विधि से A3B के समांतर A2 से एक हमें रेखा प्राप्त हुई है, रेखाखंड प्राप्त हुआ है जो A3B के समांतर है। यह बिंदु जहां आपके ए बी को काट रहा है वह बिंदु है पी, वह बिंदु है पी। तो हमने देखा था ना ये कि हमें पी बिंदु कहां चाहिए, 2:1 में भाग करता, तो वह हमने इस विधि से प्राप्त किया है। तो आइए अब हम एक बार एपी को माप कर देखते हैं। देखिए एपी आया है हमारे पास 0 और ये 4 तक, यानी 4 सेंटीमीटर। तो AP बराबर है 4 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था, हमने इस विधि से AP निकाल दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये है विधि जिससे कि हम रचना के थ्रू एक रेखाखंड को
2:1, 1:2, 2:3, 3:4 जो भी अनुपात हमें दिया हो उस अनुपात में हम बांट सकते हैं। तो हम कहेंगे यह पी बिंदु ए बी को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। इसके साथ ही बच्चों आपने इन सभी के स्टेप्स भी लिखने होते हैं, यानी कि रचना के स्टेप्स आपने लिखने होते हैं। तो ये मैं स्टेप्स आपको एक बार बता दूंगा, अगले वाले सभी वीडियोस में ये स्टेप्स आप स्वयं लिखेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखाखंड ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर लिया था, 6 सेंटीमीटर बनाओ या खींचो। इसके बाद ए पर एक न्यून कोण जिसका नाम है बी ए एक्स बनाओ और अनुपात था 2:1 इसलिए 2+1=3 बराबर चापे लगाओ ताकि ए ए वन बराबर होगा A1A2 के और A1A2 बराबर होगा A2A3 के, यानी ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। A1 A2 A3 ये सिर्फ बिंदुओं के नाम है और कुछ भी नहीं है बेटा। अब क्या किया था उसके बाद बच्चों, याद है आपको, उसके बाद हमने A3 को B से ज्वाइन किया था। A3B को मिलाओ। अगला स्टेप क्या था, हमने A2 पर एक रेखाखंड A3B के समांतर लिया था, तो A2 पर A3B के समांतर रेखा खींचो जो कि जो हमारी पहली लाइन है AB उसको P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब P बिंदु हमें प्राप्त हो गया है, P बिंदु AB को 2:1 में विभाजित करता है। दो रेशो एक अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद हमने यदि एपी मापना है तो एपी को मापो, ठीक है, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप रचनाओं के स्टेप्स लिख सकते हैं। आशा करता हूं इस एक्सरसाइज को, 11.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इस एक उदाहरण के वीडियो को बहुत अच्छे से, मैंने बहुत डिटेल में बड़ा लंबा वीडियो बनाया है सिर्फ इसीलिए ताकि आप उदाहरण के जरिए आगे आने वाले प्रश्नों को देख सको। तो आशा करता हूं इस उदाहरण के जरिए आप एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।